तो देखो भाई, ऑब्वियसली बात है भाई, टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर चीज़ ना मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा सिक्योर होना भी बहुत जरूरी है। और हम अपने फोन में भी भाई एक तरह से फिंगरप्रिंट लगा के उसको अनलॉक करते हैं, कोई दूसरा ना घुस पाए। लेकिन भाई जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है ना, जो कि हमारा घर है, उसके लिए भी भाई अभी भी बहुत सारे लोग भाई वो अपने ट्रेडिशनल वाला लॉक ही यूज करते हैं। तो भाई सारी स्मार्ट चीज़ों को सिक्योर करने के लिए मेरे को लगता है भाई स्मार्ट लॉक होना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एटम बग के एक बजट स्मार्ट लॉक की, जिसका नाम है एटम बग एजेरो। अब देखो भाई, अपने चैनल पर हमने एटम बग के SL1 का भी रिव्यू कर रखा है, लेकिन ये जो स्मार्ट लॉक है ये आपको 10,000 के अंडर में मिलता है। तो कैसा स्मार्ट लॉक है, क्या क्या फीचर मिलते हैं, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। ये डब्बा भाई खाली रखा है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले भाई इसके अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। तो इसका जो बॉक्स है कुछ इस तरह से आता है, और इसके ऊपर भाई लिखा हुआ है साफ साफ कि यहाँ पर आपको 6 जो अनलॉकिंग के जो मेथड मिलते हैं। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो सकता है, पिन एक्सेस है, NFC कार्ड है, एटम बग होम ऐप का भी सपोर्ट है, रिमोट OTP एक्सेस और मैकेनिकल की यहाँ पर आपको दी हुई है इसके साथ। और ये जो लॉक है ना भाई, 2 साल की वारंटी यहाँ पर आपको मिलती है इसके साथ, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन बॉक्स कॉन्टेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो भाई आपको एक इनर आउटर जो लॉक यूनिट मिलता है, और एक यहाँ पर एक लॉक मॉड्यूल है, उसके बाद यहाँ पर जो स्क्रू है इंस्टॉलेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन रहेंगी, और साथ में यहाँ पर एक टेम्पलेट मिलता है, इंस्टॉलेशन के काम ही आता है। साथ में यहाँ पर 2 NFC कार्ड आपको मिलते हैं, 2 फिजिकल की है, और ऑब्वियसली बात है ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो 4 यहाँ पर AA बैटरी आपको मिलती है। सबसे पहले तो इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से शुरू कर लेते हैं। तो डिजाइन यहाँ पर मुझे भाई बहुत ही अच्छा लगा, काफी प्रीमियम सा लग रहा है, इवन दो ये बजट जो स्मार्ट लॉक है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिलती है, और मैंने यहाँ पर जो ये लॉक चूज किया ये रोज गोल्ड वाला है, इसके अलावा आई थिंक एक और कलर में भी आता है। बाकी यहाँ पर जो डिजाइन है वो काफी कॉम्पैक्ट है, अगर इसको कंपेयर करेंगे SL1 से, वो थोड़ा सा बड़ा लॉक था, यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट इसका जो डिजाइन रहता है। लेकिन ये जो लॉक है ट्रेडिशनल हैंडल डिजाइन के साथ आता है, साथ में इसी पर जो फिंगरप्रिंट रहेगी, और अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर एक LED रिंग लाइट है जिसमें 3 कलर रहते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड बेसिकली रॉन्ग फिंगर लगाई होती है, ब्लू यहाँ पर प्रोसेसिंग के टाइम पर जलती है, और ग्रीन अनलॉकिंग के टाइम पर। बाकी ये जो लॉक है IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, तो ये भी अच्छी बात है, आउटडोर के ये हिसाब से सही रहता है। बाकी अब इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पर भाई पहले ही करा रखी है। तो लॉक की जो इंस्टॉलेशन है वो एटम बग की तरफ से फ्री रहती है, और 31 सिटीज में यहाँ पर इनकी सर्विस रहती है, जो इनकी वेबसाइट पे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। लेकिन इन सिटीज के अलावा भी अगर आप कहीं और रहते हो ना, तो ये जो डोर लॉक है आपका लोकल कारपेंटर आराम से इंस्टॉल कर सकता है, बहुत यहाँ पर सिंपल प्रोसेस है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस डोर को इंस्टॉल करने के लिए ना, आपका जो वुडन डोर की जो थिकनेस रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 28 mm टू 65 mm, तभी ये डोर लॉक इंस्टॉल हो सकता है। तो खरीदने से पहले ना ये चीज चेक कर लेना। बाकी ये जो डोर लॉक है रिवर्सिबल डोर हैंडल के साथ आता है, तो इसकी डायरेक्शन वगैरह भी चेंज हो जाती है इंस्टॉलेशन के टाइम पर। बाकी इंस्टॉलेशन की बात करूं, जैसे होता है भाई यहाँ पर एटम बग की तरफ से यहाँ पर इंस्टॉलेशन फ्री है, तो जो प्रोसेस रहता है बहुत ही सिंपल है, और जो भी कारपेंटर आया था उसने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये डोर लॉक इंस्टॉल किया है। अराउंड 1 घंटे के आसपास लगा था इसको इंस्टॉल करने में। तो भाई हमारा स्मार्ट डोर लॉक तो इंस्टॉल हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर इसके बारे में बात कर ले। तो सबसे पहले जो चीज होती है भाई वो होती है सिक्योरिटी। तो ये जो डोर लॉक है यहाँ पर 2 बोल्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ आता है, जो कि 304 स्टेनलेस स्टील यहाँ पर आपको बोल्ट मिलते हैं, तो काफी यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलती है। बाकी भाई स्मार्ट लॉक लगने के बाद काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन उससे पहले आपको इसकी ऐप से इसको भाई यहाँ पर कनेक्ट करना होता है, और यहाँ पर आपको ना एटम बग की होम ऐप यहाँ पर इंस्टॉल करनी होती है। और मैं ऑलरेडी यार ये जो ऐप है ना इंस्टॉल कर चुका हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एटम बग के फैन भी यूज करता हूँ, तो उसी ऐप में मैंने यहाँ पर डोर लॉक को भी कनेक्ट कर लिया है। डोर लॉक को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक QR कोड रहता है, उसको स्कैन करके भाई कनेक्ट हो जाता है। बाकी इस ऐप के अंदर क्या क्या फीचर है उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप इसकी ऐप से ऐड कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं इसके अनलॉकिंग मेथड्स का। तो जैसे बताया आपको यहाँ पर 6 अनलॉकिंग मेथड है, तो उनमें से सबसे पहले ऑब्वियसली बात है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट ऐड करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, और यहाँ पर आप ना 100 फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो इसके ऐप के थ्रू। बाकी इसके जो फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग की परफॉर्मेंस है बहुत ही सही है, काफी फास्ट यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कभी भी जो प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुई, हर बार ये वर्क करता है, और काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव लगा मुझे इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। जैसे था इसके ऊपर रिंग लाइट है, तो उससे स्टेटस वगैरह पता लग जाता है, तो फास्ट फिंगरप्रिंट डिटेक्शन है यहाँ पर। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आप भाई पिन से भी अनलॉक कर सकते हो इसको, और उसके लिए यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में लॉक के एक डिजिटल टच स्क्रीन कीपैड डिस्प्ले दिया हुआ है, और यहाँ पर भी आप भाई 100 पिन है इसकी ऐप के थ्रू ऐड कर सकते हो, और जो भी आपका मास्टर पिन रहेगा उसको डालने के बाद आपको हैश की दबाना है, तो ये भाई अनलॉक कर देता है। बाकी यहाँ पर आपके पास 4 जो पिन के मेथड है, तो एक फॉरएवर पिन है जो बेसिकली एक तरह से मास्टर पिन रहेगा, तो वो हर बार वर्क करता है। उसके अलावा एक पीरियोडिक पिन रहता है, तो ये भाई आप टाइम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो किस टाइम के बीच में ये जो पिन वर्क करे। तो अगर आपके घर में कोई मेड वगैरह है या फिर क्लीनिंग वगैरह के लिए आपने रखा कोई, तो उसको ये पिन दे सकते हो, तो उसी टाइम पे ही एंटर कर पाएगा, तो ये सही रहता है। उसके अलावा एक वन टाइम यहाँ पर पिन है, तो एक तरह से OTP की तरह मान लो, जिसको आप बेसिकली कोई भी कुरियर वगैरह हुआ या फिर टेम्प्रेरी किसी को एक्सेस देना हो, तो वो जो टेम्प्रेरी पिन है आप उसको सेंड कर सकते हो, और वो सिर्फ एक बार ही वर्क करता है, उसके बाद वो वर्क नहीं करेगा। और फिर यहाँ पर गेस्ट पिन है, तो अगर आप घर पे नहीं हो, कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो उनके लिए वो पिन यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हो। उसके अलावा सिक्योरिटी वाइज एक अच्छा फीचर है यहाँ पर, वो है स्नूप प्रोटेक्शन। तो अगर आपको अनलॉकिंग के टाइम पे पिन डाल रहे हो जब, तो आपको लग रहा है कोई आसपास आपको देख रहा है, तो आप यहाँ पर रैंडमली कुछ नंबर डाल सकते
सकते हो अपने पिन के आगे और पीछे, और उससे डोर तो अनलॉक हो जाएगा लेकिन जो देख रहा होगा उसको भाई आइडिया नहीं लग पाएगा कि आपने कौन सा पिन डाला है, जो ओरिजिनल पिन रहेगा। तो ये एक अच्छा फीचर है। लेकिन इसके अलावा एक और यहाँ पर फीचर है जो कि है रिमोट ओटीपी, तो ये आप जनरेट कर सकते हो इसके ऐप के थ्रू। इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर अनलॉकिंग मेथड है वो है ऑब्वियसली इसकी ऐप। तो इसकी ऐप में जाकर यहाँ पर आप इस पर जो हैंडल है इसको अगर आप स्लाइड करते हो तो भी यहाँ पर आपका स्मार्ट लॉक है इसे अनलॉक कर देता है। और ऐप की जो फंक्शनैलिटीज है इसकी जैसे बताया है बहुत सारे फीचर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर अगर आपको नया यूजर ऐड करना है या फिर आपको जो हिस्ट्री वगैरह देखनी है, क्योंकि यहाँ पर आप जितनी भी हिस्ट्री लॉग्स वगैरह उसको यहाँ पर चेक कर सकते हो, और 500 के आसपास यहाँ पर जो हिस्ट्री लॉग्स ये जो ऐप में रिकॉर्ड रखता है। और एक चीज अच्छी ये है कि जितना भी डेटा वगैरह है वो यहाँ पर इंडिया में ही सिक्योर रहता है, और यहाँ पर आपको 3 लेवल ऑफ इंक्रिप्शन का सपोर्ट मिल जाता है। तो सिक्योरिटी मामले में भी यहाँ पर मुझे ये चीज सही लगी। बाकी ऐप में ना आप इसका बैटरी स्टेटस देख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ये बैटरी से ऑपरेट होता है लॉक। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बैटरी खत्म हो जाएगी तो आप इसको अनलॉक कैसे करोगे, तो इसके लिए यहाँ पर एक इमरजेंसी पावर बैकअप का भी सिस्टम है। इसके लिए ना इसके फ्रंट में यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है जिसको आप अपने पावर बैंक से यहाँ पर अटैच कर सकते हो, तो इसको अनलॉक करने के लिए। तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी यहाँ पर आप इसको अनलॉक कर सकते हो, मतलब ऐसे बैटरी वगैरह की अगर आपको चिंता वगैरह है। और उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर मेथड है जो कि है RFID एक्सेस कार्ड, जिसको इसके ऊपर ही आपको सिर्फ टैप करना है और ये जो लॉक है आपका अनलॉक हो जाएगा। बाकी कुछ भी अगर काम नहीं कर रहा किसी रीजन की वजह से तो ऑब्वियसली बात है आपके पास यहाँ पर जो इसकी फिजिकल की भी है। तो ओवरऑल ये जो लॉक है एटम बग का एजारो मुझे भाई काफी बढ़िया लगा। प्राइस के हिसाब से तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं और काफी यहाँ पर सिक्योर्ड भी है। तो अगर आप एक अच्छा खासा स्मार्ट लॉक ढूंढ रहे हो बजट प्राइस में तो ये जो एटम बग का एजारो ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और इसका प्राइस इस टाइम पर है 9,499 रुपए, तो अंडर 10,000 रुपीज के अंडर में ये लॉक आप परचेज कर पाओगे। तो मुझे काफी बढ़िया लगा ये लॉक 10,000 के अंडर में। और अगर आपको ये लॉक परचेज करना होगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। बाकी इस एटम बग के लॉक को हम भाई काफी टाइम से यूज भी कर रहे हैं, तो चाहते हो मैं इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी लेके आऊं तो उसके लिए भाई नीचे यहाँ पर आप कमेंट कर देना। और उसके अलावा कोई और यहाँ पर आप वीडियो देखना चाहते हो चैनल पे तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता दो। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।